फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस चैनल पे मैं प्लांट, वास्तु और लाइफस्टाइल से रिलेटेड वीडियो समय समय पर लाती रहती हूँ। अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो ज़्यादा देर ना करते हुए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, अगर आपके घर में भी बूढ़े माँ बाप हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी फायदेमंद होने वाली है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स बताऊंगी जिनको फॉलो करके आप अपने बूढ़े माँ बाप की हेल्थ को काफ़ी अच्छा रख सकते हैं और जिससे आपके परिवार में शांति, सुख और व्यवस्था बनी रहेगी। यदि आपके घर में कोई बुजुर्ग सदस्य जैसे कि माता पिता या सास ससुर रहते हों तो उनका कमरा हमेशा उत्तर पूर्व दिशा यानी कि ईशान कोण में होना चाहिए। ईशान कोण में कमरा होने से उनका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और वो सेहतमंद रहते हैं। और एक बात का खासकर ध्यान रखिए, अगर आपके परिवार में कोई बुजुर्ग सदस्य हो तो उसका कमरा कभी भी दक्षिण पूर्व कोना यानी कि अग्नि कोण में कभी ना हो, इससे परिवार में कलह का माहौल रहता है। वहीं यदि किसी बुजुर्ग का कमरा उत्तर पश्चिम दिशा यानी वायवी कोण में हो तो उनके बीमार पड़ने की संभावना अधिक हो जाती है। बुजुर्ग का बेड का सिराना हमेशा पूर्व दिशा की तरफ हो। अगर आप चाहें तो उनका सिराना दक्षिण दिशा की तरफ को भी कर सकते हैं, पर बुजुर्ग का सिराना कभी भी उत्तर दिशा की तरफ नहीं होना चाहिए। बढ़ती हुई उम्र में सेहत संबंधी समस्या होना आम बात है। सारी रिपोर्टें, दवाइयों की पर्ची और सारी दवाइयाँ आप हमेशा उत्तर दिशा में ही रखें। उत्तर दिशा में जो आपकी अलमारी हो या उत्तर पूर्व दिशा में जो भी अलमारी बनी हो उसी में दवाइयाँ पर्चियाँ सारी रखें। उत्तर दिशा में दवाइयाँ रखने से जल्दी रिकवर करने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। और यदि आप गलती से भी दवाइयों और रिपोर्टों को दक्षिण या दक्षिण पश्चिम दिशा में रख देते हैं तो उससे उनकी तबीयत और ज़्यादा ख़राब हो सकती है। अपने माता पिता की सेहत को बनाए रखने के लिए उनके कमरे का रंग हमेशा लाइट ग्रीन कलर का करिए और उनके कमरे में बेडशीट और पर्दों का रंग भी लाइट ग्रीन ही रखिए। वास्तुशास्त्र के अकॉर्डिंग अगर आप बुजुर्ग को पलंग में बैठ के भोजन कराते हैं तो उससे उनका बीमार पड़ने की संभावना और ज़्यादा अधिक हो जाती है। तो कभी भी बेड में बैठ के बुजुर्गों को भोजन ना करवाएं। ज़मीन में बैठ के खाना खाना सबसे उचित रहेगा। अगर बुजुर्ग ज़मीन में बैठने में सक्षम ना हो तो उनको साइड टेबल या डाइनिंग टेबल पर बैठा के खाना खिला सकते हैं। जो आपके घर का सेंटर है, जो आपके घर का केंद्र है, उसमें कोई भी भारी वस्तु ना रखें। घर के सेंटर को हमेशा खाली रखना चाहिए। आप चाहें तो घर के सेंटर में डाइनिंग टेबल लगा सकते हैं, पर कोई भी भारी अलमारी या कोई भी भारी चीज़ आप सेंटर में ना रखें। अपने माता पिता का कमरा साफ़ सुथरा रखिए और समय समय पर उनकी बेडशीट चेंज करते रहिए। अगर आप चाहें तो उनके कमरे में मनी प्लांट और स्नेक प्लांट भी लगा सकते हैं जो उनकी हेल्थ को इम्प्रूव करने में मदद करेगा। वास्तु के अकॉर्डिंग स्नेक प्लांट पॉजिटिव एनर्जी का सोर्स माना जाता है। यदि आपके माता पिता दमे के रोग से ग्रसित हो तो उनके कमरे में स्नेक प्लांट जरूर लगाएं। स्नेक प्लांट दमे के रोग में काफ़ी ज़्यादा मदद करता है उसको रिकवर करने में। स्नेक प्लांट से भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन प्राप्त होती है जिससे उनको ऑक्सीजन की कभी कमी महसूस नहीं होती। ये दमे के रोगियों के लिए एक फ़ायदेमंद प्लांट है। तो दोस्तों, ये कुछ टिप्स थे जिनको फॉलो करके आप अपने घर के बड़े बुजुर्गों का कमरा और उनके स्वास्थ्य दोनों का ध्यान रख सकते हैं। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।